नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक चैनल को। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में 3D वॉलपेपर लगा सकते हैं। दोस्तों जो वॉलपेपर आप लोगों को इस ऐप में मिल जाएंगे वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप लोग मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पर अभी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस प्रकार का वॉलपेपर अपने मोबाइल में सेट करूं, तो फिर आप लोग बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो आप इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यहाँ पर हम लोगों को सिंपली सर्च कर देना है शो। आप लोग जैसे ही शो सर्च कीजिएगा तो हम लोगों के सामने एक शो एप्लीकेशन आ जाता है जो सबसे ऊपर वाला है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे HD 3D वॉलपेपर मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम लोग बारीकी से सीखेंगे। दोस्तों अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं और यहाँ से अलाउ परमिशन दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों के मोबाइल पर एक ऐड आएगी तो इसको हम लोगों को स्किप कर देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इस प्रकार के इंटरफेस में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार का वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और जब आप लोग वॉलपेपर लगाइएगा तो दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोगों को इस वॉलपेपर को लगाना हो तो नीचे हम लोगों को एक सेट एज वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके इस वॉलपेपर को आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारा 3D वॉलपेपर है जो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है मैसेज। तो यहां से आप मैसेज में भी ये वॉलपेपर सेट कर सकते हैं जो देखने में हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को अगला ऑप्शन मिल जाता है प्लस का। तो आप जैसे ही प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, लोकल का, डाई का, एनिमेटेड पिक्चर का और लिंक वीडियो का। तो आप जैसे ही लोकल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग अपने मोबाइल के गैलरी में प्रवेश कर जाइएगा। तो आप लोग यहाँ से भी कुछ भी सेट कर सकते हैं अपने वॉलपेपर में। इसके बाद डाई का ऑप्शन मिल जाता है तो डाई से आप इस प्रकार का 3D वॉलपेपर लगा सकते हैं। दोस्तों ये कुल वॉलपेपर है जो आपको बिल्कुल 3D में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का अगर वॉलपेपर आप अपने मोबाइल में लगाना चाहते हैं तो नीचे एक क्रिएट एक कुल वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके इस प्रकार के वॉलपेपर को आप अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। इसके बाद हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है कॉलिंग शो का। तो आप अपने कॉलिंग में भी इस प्रकार का वॉलपेपर लगा सकते हैं जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, कॉलिंग शो स्विच। तो जैसे ही हम लोगों के मोबाइल पर फोन आएगा तो ये इस प्रकार का एनिमेटेड बैकग्राउंड चलने लगेगा और हम लोगों का फ्लैश लाइट भी भुकभाक होना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं। तो ये आप सेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से और यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग को अगला ऑप्शन मिल जाता है मी का। तो मी से सीधा आप अपने प्रोफाइल में पहुंच जाएगा और यहां से आप जैसे कोई वॉलपेपर सेट किए हुए रहेंगे तो वो यहां पर शो होगा। जैसा कि हम एक वॉलपेपर सेट किए हैं वो इमेज यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जितना सेट कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों सबसे ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आप शो एप्लीकेशन के सेटिंग में जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा सेटिंग मिल जाता है जो वॉलपेपर से ही संबंधित है। तो आप लोग सिंपली इस तरह इस एप्लीकेशन का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह ऊपर भी हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है फॉलो का। तो अगर आप किसी वॉलपेपर को फॉलो करेंगे तो वो यहाँ पर ओपन होगा। इसके बाद होम का ऑप्शन मिल जाता है तो होम में हम लोग को बहुत सारा वॉलपेपर मिल जाएगा
जितने भी प्रकार का वॉलपेपर होगा वो हम लोगों को होम में मिल जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है लेटेस्ट का, तो जो लेटेस्ट वॉलपेपर होगा वो हम लोगों को लेटेस्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों ये सब अभी लेटेस्ट वॉलपेपर है जो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है पॉपुलर का, तो जो पॉपुलर वॉलपेपर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये सब पॉपुलर वॉलपेपर है। दोस्तों आप इस लड़की को अपने वॉलपेपर पर सेव कर सकते हैं जो आपके डिस्प्ले पर इसी तरह नाच करेगी। दोस्तों चलिए बैक आते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में हम लोगों को बहुत सारी लड़की भी मिल जाएगी जो काफ़ी हॉट हॉट और सुंदर सुंदर रहती है, जिसको हम अपने वॉलपेपर में लगा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह सुंदर सुंदर लड़कियों को आप अपने वॉलपेपर पर सेव कर सकते हैं जो इसी तरह आपके डिस्प्ले पर भी नाच करती रहेगी और आपको एंटरटेनमेंट कराती रहेगी। दोस्तों एक अच्छा सा वॉलपेपर सेट करने का ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। दोस्तों मुझे तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी यह एप्लीकेशन पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।